भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा जन्मभूमि के भागवत भवन में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसे देख भक्त एकदम कृष्ण की भक्ति में सारोबार हो उठे और हर तरफ बस जन्मदिन की खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थी। लोग दर्शन का आनंद ले रहे थे और कान्हा की जय जयकार करते हुए उत्साहित थे। भगवान के जन्म के समय मंदिर में घंटे घड़ियाल बजने लगे और कान्हा का जन्म हुआ। उसके बाद पंचामृत से श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया गया और मंत्रों के जाप से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया और फूलों की बारिश होने लगी। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और कान्हा की आरती की गई, जबकि यहां पर आए सभी महिला एवं पुरुष अपने आप को आज की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान के अभिषेक और जन्म के दर्शन पर धन्य हो गए। दूर दूर से आए भक्त यहाँ आकर जन्माष्टमी मनाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। उनको लग रहा था कि हम साक्षात जैसे अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और ऐसा अलौकिक आनंद आज से पहले कभी नहीं मिला है और आगे से हम हर जन्माष्टमी मथुरा में ही मनाएंगे। ऐसी कृपा हम पर करें, जैसे ही 12 बजे वैसे ही नंदलाल का जन्म हुआ, वैसे ही पूरे मंदिर परिसर में भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा तथा सभी लोगों ने भगवान के जय जयकार के साथ ही इस आनंद को उस समय और दुगना कर दिया जब भगवान की जन्म की बधाई गाने लगे, जिन पर आए श्रद्धालु जोर जोर से नाचते हुए गाते लगे। इस आनंद को हर तरह से अपना कर लेना चाहते थे क्योंकि उसके जन्मदिन की बधाइयां पर नाच रहे थे, जो कि पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता है। और ये मौका जब भगवान के जन्मोत्सव का है तो फिर भला कोई पीछे क्यों रहे। श्रृंगार के दर्शन के बाद हुई महाआरती के, जिसे भगवान के जन्म की आरती कहा जाता है, साल भर में आज होने वाली ये आरती, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं। देखिए कृष्ण नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की कुछ झलकियां। खीरा नहीं रखा था आज जो खीरा माता भी चाहते हैं। मेरा नाम रिधिमा है। कृष्ण भगवान जन्म है, उनका जन्म हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज भगवान ने मुझे बिल्कुल अंतिम समय पे मुझे अंदर एंट्री आई मेरी और मैंने उनका दर्शन देखा, तो मैं तो समझती हूँ आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इससे पहले सौभाग्य आपको मिला था? नहीं, आगे अगर मिलता तो आना चाहेंगे? बिल्कुल, हमेशा मैं चाहती हूँ कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे, मैं हर बार उनका जन्मोत्सव इसी समय ऐसे देखूँ। धन्यवाद। आज मथुरा में अजन्मा के जन्म की खुशी मना रहे हैं सबरे। अमाइक को जन्म है, पर जितने माय के वास में के यानी माया भी है,
उनको समापन करके गीता ज्ञान के उपदेश के द्वारा आतंक को समापन और ज्ञान की स्थापना के ताई या महापुरुष को या भगवान को लाला को जो जन्म भयो है, आए सबरे ब्रजवासी जन समुद्र के रूप में उमड़ के यहाँ पे चले आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं सब जने, बोलो नंद के लाला की। और एक चीज कह रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज के समाज में जो कंस रूपी कुरीतियां व्याप्त है, कान्हा के आने के बाद क्या कुछ बदले? कान्हा के आयवे के बाद में वास में भी कुरीति हटी, लेकिन आज केवल नंदोत्सव मनाए हुए थे खाली काम नहीं चलेगो। यदि उनके गुणन को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लियो, कहवे को मतलब यदि हमने अपने मन में वह कृष्ण को जन्म उत्सव यहाँ बैठाए के मनायो, तो आज जितने यहाँ पे डोल रहे हैं सबरे कृष्ण के आदर्शन को लेके कुरीति हटाए हुए के ताई सबरे कृत संकल्प है। मेरा नाम रूपेश अग्रवाल है, मैं मथुरा से रहता हूँ। आज आप जन्मभूमि में है, कान्हा के जन्म के दर्शन की कैसा लगा? इस दिव्य अति दिव्य महोत्सव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जन्म का असली लाभ पाया है, भगवान के जन्म का अवश्य एकदम भगवान के जन्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ मथुरा में रहने का हमारा जन्म सफल हो रहा है। कैसे पहले ही सौभाग्य आपको कभी मिल सका था? हाँ, पिछले 10 वर्षों से मुझे लगातार सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन मेरा मन कभी तृप्त नहीं हो पाता, हमेशा ये सोचता रहता हूँ कब जन्माष्टमी है, कब भगवान के अभिषेक का, लेकिन जन्म का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।